तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे मार्वल ज़ॉम्बीज वॉल्यूम 1 एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा सारे सुपर हीरो ज़ॉम्बी बन चुके थे और मैग्नेटो उनसे दूर भाग रहा था, लेकिन वो भी उनके हाथों मारा जाता है। तब सब लोग अपनों को खाने का अफसोस मना रहे थे, तभी लूक केज को दिखाई देता है नंगा पुंगा सिल्वर सर्पर और हैंक पिम उसकी ओर बढ़ता है उसे पकड़कर खाने के लिए। अब आगे हम देखते हैं हैंक पिम को जो कह रहा होता है वो कहाँ गया, क्या उसे किसी ने देखा, कोई जानता है वो कहाँ गया। उस पर लूक कहता है कि नहीं, वो अभी यही था और अभी चला गया। तब डेयरडेविल कहता है कि अब हम क्या करें और मुझे फिर से भूख लग रही है। तब एंजल कहता है क्या मैं उड़कर शहर का चक्कर लगाकर देखूं, अगर कहीं मिला तो। तब हैंक बोलता है सही कहा, ताकि तुम उसे पूरा खा लो, क्या बढ़िया प्लान है। अगर तुमने यहाँ से पंख भी हिलाया तो थॉर का हथौड़ा तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देगा, तब उससे बच के दिखाना। उस पर वुल्वरिन कहता है कर्नल अमेरिका, तुम्हारे पास कोई प्लान है। तब स्टीव कहता है उस चीज़ की स्पीड हमारे सोच से भी ज़्यादा है, तो उसके बजाय हमें छुपे लोगों को ढूंढना होगा। उस पर हैंक पिम कहता है अच्छा प्लान है, अब तुम लोग बाकियों के पास जाकर उन्हें बताओ मैग्नेटो के साथ क्या हुआ, मैं अपनी बीवी जेनेट को ढूंढने जा रहा हूँ। तब डेयरडेविल कहता है हम आयरन मैन से क्या कहें। तब पिम कहता है सच कहो, लड़ाई के दौरान गैस लाइन में धमाका हुआ और सब चल गया और कुछ नहीं बचा खाने को। फिर स्पाइडरमैन लुक से कहता है लुक क्या तुम। तब लुक उससे कहता है आजा लंगड़े बेताल, चढ़ जा पीठ पे। तब हैंक चारों तरफ देखकर कहीं जा रहा था, लेकिन वास्प उसका पीछा कर रही थी। तब वो एक कमरे में जहाँ पेशेंट रखा था वहाँ जाता है। तब हम देखते हैं टचाला यानी ब्लैक पैंथर को। हैंक पिम उससे कहता है टचाला क्या तुम उठ गए, अच्छा हुआ तुम बेहोश हो, ये मास्क मुझे अपने फर्ज की याद दिलाता है, आज मुझे थोड़ा काम करना है। बदकिस्मती से थोड़ी देर पहले जो मैंने खाना खाया वो काफ़ी नहीं था, मुझे और चाहिए, तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा है ना। और वो टचाला का पैर बांध देता है ताकि उसके पैर का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए और कहता है तुम्हें पता है अगर औरों को पता चला कि मैंने तुम्हें यहाँ रखा है तो वो मुझे काट डालेंगे। फिर हम देखते हैं हैंक पिम हाथ में आरी लिए खड़ा था और कहता है घबराओ मत, मैं अपने औजार इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह से साफ करता हूँ, इसलिए तुम्हें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और वो टचाला का पैर काट देता है और बाकी का हिस्सा सीख कर रख देता है और कहता है मुझे अपने दोस्त को सिर्फ बिना पैरों के देखना होगा, इसलिए इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तब वास्प हैंक से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने इसे मुझसे छुपा कर रखा। तब हैंक पिम कहता है हाँ, तुमसे और सभी से, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। फिर जेनेट के पूछने पर हैंक बताता है मुझे इसके बारे में कोई बहस नहीं करनी, तुम इसे दिन में एक बार या दो बार खा सकती हो। तब जेनेट कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें इसे मेरे साथ बांटना पड़ेगा अभी से। तब हैंक उसे मारते हुए कहता है वरना क्या, तुम मुझे अपने ढंग से चोट पहुँचा पाओगी, मुझे दर्द महसूस नहीं होता, हम में से किसी को भी नहीं। उस पर जेनेट बोलती है तुम्हें इसे मेरे साथ बांटना होगा वरना मैं तुम्हारा सीक्रेट सबके साथ बांटूंगी। तब हैंक गुस्से में उससे कहता है तुम जानती हो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, और वो जेनेट को खा जाता है लेकिन तुरंत थूक देता है और कहता है बहुत बुरा स्वाद है, अगली बार नहा के आना। और फिर वो टचाला की तरफ मुंह करके कहता है अब मुझे ये साफ करना है, मैं ये बाद में कर लूँगा। और वो टचाला के पैर को खाने लगता है, लेकिन तभी टचाला जाग जाता है और कहता है मुझे मार दो। उस पर हैंक पिम कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करने पर तुम्हारा मांस जेनेट से भी ज़्यादा बास मारेगा है ना, अब चुप करो और मुझे बेहोशी की दवा ढूंढने दो। तब हम देखते हैं सिल्वर सर्पर को, वो सब जगह घूमकर सब जगह की छानबीन कर रहा था। आगे हम देखते हैं कैप्टन हरक्यूलिस से पूछता है आयरन मैन कहाँ है। तब हरक्यूलिस कहता है तुम आखिर में आए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, किसी को मैग्नेटो नहीं मिला और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और वो हल्का होने गया है। तब सिर्फ करोड़पति यानी टोनी स्टार्क हमें दिखता है
और वो स्टीव से पूछता है, तिरछी टोपी वाले बने क्यों फिर रहे हो? और मैग्नेटो कहा है, तब कैप्टन कहता है, हमें वो मिला था, वो हमसे लड़ा। तब आयरन मैन पूछता है, तो क्या वो भाग गया? उस पर डेयरडेविल कहता है कि नहीं, वो लड़ा और गैस पाइप के एक्सप्लोजन में जल गया और वहाँ खाने को कुछ नहीं बचा। तब आयरन मैन कहता है, अच्छा तो कुछ नहीं बचा हमारे लिए, तुम कुछ नहीं लाए हमारे खाने के लिए? ठीक है, स्पाइडरमैन तुम्हारी बीवी और आंटी कैसी है? उस पर स्पाइडरमैन कहता है, मुझे दोबारा याद मत दिला, मैं वो दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता। तब लुक पीटर को नीचे गिराते हुए कहता है, अब मैं इस लंगड़े को और नहीं उठाऊंगा। तब आयरन मैन कहता है, तुम डेड शैनों को लगता है कि तुम अपनी गलती मुझसे छुपा पाओगे? तुमने अगर खाना नहीं खाया तो स्पाइडी इमोशनल क्यों है? अच्छा वो छोड़ो, फिर बैनर हल्क क्यों नहीं है? वो तब बैनर बनता है जब उसका पेट भरा हो, और बैनर का फूला हुआ पेट देखकर कुछ और कहने की ज़रूरत है? उस पर एंजल कहता है, माफ़ करो आयरन मैन, लेकिन यह करने के अलावा कोई चारा नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, तो हम क्या करते? तब टोनी कहता है, शांत हो जाओ, मैं गुस्सा हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तब कैप्टन कहता है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं और कुछ ले आऊँ तुम्हारे लिए। तब टोनी कहता है, यह मुझे खुश नहीं कर पाएगा। वैसे हैंक और जेन कहा है, वो तुम्हारे साथ ठीक गए थे ना? वो वापस नहीं आए और हॉकाय नहीं दिख रहा मुझे। तब कैप्टन कहता है, वास मैग्नेटो का एक टुकड़ा लेकर चली गई, हैंक उसे ढूंढने गया है और हॉकाय मर चुका है ऐसा हमें लगता है, क्योंकि मैग्नेटो ने मेरी शील्ड से उसका सर काट दिया था। हमें ढूंढने पर उसका सर नहीं मिला तो शायद वो मर गया है, तुम्हें तो पता है। उस पर टोनी कहता है, सही कहा, हम कैसे मर सकते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। और मुझे तुमसे बात करनी है, इससे पहले कि हम भूख में पागल होकर एक दूसरे को खा जाए, और ऐसा जब होगा इतने बड़े टीम के साथ तो ये सबसे बुरा प्लान होगा। तब कैप्टन कहता है, सही कहा, अलग होकर हमें ज़्यादा खाना ढूंढने में आसानी होगी। तब टोनी कहता है, पर मैं सबको बिखेरना नहीं चाहता, तुम 10 सदमी लेकर मिडवेस्ट में ढूंढो, कहीं कहीं छूट गया हो। तब ब्लैक ब्लैक खेलने वाला डेयरडेविल कहता है, अगर हम क्विंचेट लेकर जाए तो ये रेस्क्यू मिशन जैसा लगेगा और लोग बाहर आएंगे। तब टोनी कहता है, ये बुरा आइडिया तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग अभी भी कहीं छुपे हुए हैं। कैप्टन तुम्हें वो जगह पता है जहाँ प्रेसिडेंट छुपे होंगे? तब स्टीव कहता है, शायद एक या दो बार मैं उनके साथ गया था, उनके साथ ज़्यादा वक्त भी तो नहीं बिताया मैंने। तब टोनी कहता है, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, शायद मेरे दिमाग के स्क्रू गिर रहे हैं। और वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, वो क्या है? तब हमें दिखता है फेयर एंड लवली का ब्रांड एम्बेसडर सिल्वर सर्फर, जो कि आसमान में उड़ रहा था। स्टीव कहता है, हमने इसे पहले भी देखा है, लेकिन हमें नहीं पता ये कौन है। उस पर टोनी कहता है, और कुछ बताना बाकी है? स्टीव कहता है, नहीं, ये आखिरी बात थी। तब सिल्वर सर्फर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने मास्टर को हिंदी फिल्मों की स्टाइल में बल्ब जलाकर सिग्नल देता है। वो सबसे कहता है, मेरे आका महान गैलेक्टस यहाँ आ रहे हैं, तुम्हारी दुनिया अब एलिमेंट एनर्जी में कन्वर्ट होकर मेरे आका गैलेक्टस को ताकत देगी, ये तुम्हारे अस्तित्व का अंत है, तुम्हारी मौत मेरे आका को ताकत देगी, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, अपने अंत की तैयारी कर लो। तब सब हीरोज उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं और कैप्टन कहता है, ये अपने आका का सफ़ेद जिन किस बारे में बात कर रहा है? और फिर सारे सुपर हीरो सिल्वर सर्फर पर टूट पड़ते हैं।